ओके, कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर वन हो गया शीट नंबर 23 का? कितनों का डाउट है? पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। देखो ये तो जो बुक्स है ना बहुत ही अजीब तरीके से करती है, मेरे को पसंद नहीं आई। हम इसमें क्या करेंगे, वो कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस है 4 ओम की रेजिस्टेंस है, रियोस्टैट है, 10 वोल्ट है, 1 ओम है, 3 मीटर बैलेंसिंग लेंथ है, 2 आइडेंटिकल बैटरीज हैं। जब बैटरी दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों की जगह एक बैटरी लगेगी ई, तो यानी कि बैलेंस बैलेंस कौन कर रहा है यहां पर? ई। तो ई ईएमएफ यहां पर बैलेंसिंग हो रही है यहां पर। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इसकी वायर की रेजिस्टेंस 5 ओम है और लेंथ 5 मीटर है, तो आपको यह पता है कि 3 मीटर पे बैलेंसिंग हो रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ई ईएमएफ होगी इसमें ई, वो जो निकालनी है मुझे इस यहां का जो भी करंट होगा आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 3 मीटर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओम लॉ लगा दिया मैंने 3 मीटर बैलेंसिंग लेंथ पे, तो दैट इज ई इज इक्वल टू आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 3 मीटर। तो ई इज इक्वल टू आई, बताओ आई क्या होगा यहां पे? आई होगा यहां पे 10 डिवाइडेड बाय, इसकी खुद की रेजिस्टेंस 1 है, इसकी रेजिस्टेंस 4 है और इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस 5 है, तो कुल मिला के 1 एम्पियर हो गया करंट, 1 एम्पियर हो गया। तो 1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 3 मीटर क्या है? देखो अगर 5 मीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस 5 ओम है, 1 है तो 1 ओम है, 3 है तो 3 ओम है, आंसर 3 आंसर आ गया, 3 वोल्ट एक लाइन में आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां तक? ओम ना लगाओ आंसर। बैलेंसिंग लेंथ यहां पर 3 मीटर है तो ईएमएफ सिर्फ 3 मीटर तक बैलेंस कर रही है, तो ओम लॉ में के अकॉर्डिंगली यहां करंट आ जाएगा, तो आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट आ गया आंसर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir, एक बार सेकंड क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वायर्स हैं, देखो दो वायर्स हैं और मटेरियल सेम है, रो सेम है, लेंथ आर जॉइंड इन कॉम्बिनेशन, तो लेंथ की वैल्यू इसमें सेम है। वन ऑफ देम हैज हाफ द थिकनेस ऑफ द अदर एंड थिनर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखो एक पॉइंट को समझो, इस क्वेश्चन में क्या क्या सेम है? रो की वैल्यू सेम है, इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू सेम है, और क्या गिवन है? वन ऑफ देम इज हाफ द थिकनेस ऑफ द अदर, तो यानी कि अगर ये दोनों सेम है तो अगर इसकी थिकनेस टी है तो इसकी थिकनेस कितनी है? टी बाय 2 है, ठीक है, टी बाय 2 है। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर वन की रो, लेंथ एल सेम है बाय एरिया ए वन है, और ऐसी आर टू क्या होगा? रो एल बाय एरिया ए टू है। अब एरिया ए वन क्या होगा? ए वन होगा इसमें, ए वन की वैल्यू होगी, एरिया क्या होगा इसमें? एरिया क्या पुट करें इसमें भाई? वॉल्यूम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, एरिया क्या लेंगे इसमें थिकनेस के हिसाब से? 2। अब थिकनेस से इसका मतलब क्या, ये समझ लो ये थिकनेस है इसकी, ये रेडियस मोटाई थिकनेस, वायर की थिकनेस पर डायमीटर है, तो एक का डायमीटर यानी कि दूसरे के डायमीटर से हाफ है ऐसे, अगर ये डी है तो ये डी बाय 2 है। अब हो जाएगा एरिया ए वन ए टू आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 पाई इनटू डी बाय 2 ए स्क्वायर बाय 4। क्या पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। सब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ना? यस सर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में डाउट। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वैसे तो देखते ही आंसर बन रहा है, क्या क्या अगर ये ग्राउंड है तो ये जीरो पोटेंशियल पे है, अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो ये भी जीरो पोटेंशियल पे है, अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो ये भी जीरो पोटेंशियल पे है, और अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट पे है, अगर ये जीरो तो ये जीरो पे नहीं है, क्यों? बीच में क्या आ गई? रेजिस्टेंस, यानी कि ई जीरो पोटेंशियल पे है, गलत स्टेटमेंट है, आपको रॉन्ग मार्क करनी है, ई इज एट जीरो पोटेंशियल रॉन्ग, सही है? ठीक है, इसी के अंदर अगर मैं कहूं बताओ डी का पोटेंशियल क्या है, कैसे निकालोगे? निकालना डी का पोटेंशियल क्या होगा?
यहाँ पर जीरो पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर करंट अंदर चला जाएगा, ये एक वर्चुअल अर्थ है, मतलब जीरो पोटेंशियल शो करने के लिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली करंट तो जाएगा, तो करंट जाएगा फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर सारे सेम पोटेंशियल जीरो जीरो जीरो, या तो करंट जाएगा या करंट नहीं जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। बैटरी में से जो करंट निकला वह एंटर तो करेगा, और अगर नहीं कर रहा तो लॉ गलत हो गए। तो इसलिए ये तो डी क्या, वी डी क्या होगा बताओ, वी ऑफ डी क्या होगा? वी डी तो दे नहीं रखा 3 वोल्ट, वी डी कितना, नहीं नहीं 3 वोल्ट दे नहीं रखा, ना ना ना, ये 3 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है 3 वोल्ट, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल थोड़ी ना होगा ये।
हाँ जी, वीडी कितना आया? अच्छा, कैसे करोगे? पहले करंट निकाला आए, करंट निकाला आए, हाँ या ना? हाँ। कैसे? बड़ी बैटरी में से छोटी बैटरी को माइनस, कैसे? माइनस प्लस, प्लस माइनस, है ना? तो कैसे करोगे? नेट क्या आएगा करंट? नेट वोल्टेज क्या होगी इसमें? 10 माइनस 3 7 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगी, कर लोगे ऐड सब सीरीज में, तुम्हें करंट आ गया। एक बार जब करंट आ गया तो यहां से स्टार्ट हो जाओ। देखो यहां से करंट मान लो ऐसे गया, आए आए आए, तो क्या बनेगा? VA करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू 2 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू 5 करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस आई इंटू 3 इज इक्वल टू क्या? VD। VA ऑलरेडी 10 वोल्ट पता है हमें, सॉल्व करके VD आएगा आंसर। ठीक है यहां तक? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। लिक्विड ओम लॉ ओबे नहीं करता, ओमिक कंडक्टर करता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है फॉर ओमिक कंडक्टर एंड लिक्विड इज नॉट ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर ओमिक कंडक्टर नहीं है, राइट? तो नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इसमें तो पार्शियली दे रखा है आंसर। हाँ, तो पार्शियली करेगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं करता। पार्शियली तो सेमीकंडक्टर भी करता है, फुली करता है या पार्शली करता है। पार्शली लिख सकते हो, लगाओ इसमें कंडक्टर लिक्विड के अंदर अभी इज इक्वल टू आईआर, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, थोड़ा वेरी करता है। सिक्स्थ नहीं करना, ये गलत है, डायग्राम मिसिंग है इसमें। सेवन्थ करना है। देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, 200 वोल्ट 40 वाट रेजिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, R1, R2 भी आ जाएगा, और एक हाउस वायरिंग सर्किट से कनेक्टेड है। दे हैव इक्वल करंट थ्रू देम, करंट इक्वल होगा? नहीं होगा। सबसे पहले काम क्या होगा? रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, अब वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या सेम होगी? नहीं होगी। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 और कितनी है? 400 है, तो निकाल लेना 1000 जो भी इस ऑप्शन में। तो रेजिस्टेंस की बेसिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ लेंथ ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो, तो L1 और L2 की रेशियो तो गिवन ही है, और रेडियस R1 और R2 की रेशियो भी गिवन है, रेशियो ऑफ करंट इन द वायर्स क्या होगा? देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल में I1 into R1 इज इक्वल टू I2 into R2 करना पड़ेगा। तो यहां से I1 by I2 की रेशियो आएगी R2 डिवाइडेड by R1, और रेजिस्टेंस क्या होती है? रो एल बाय ए, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, पुट करके रेशियो निकालना, I1 I2 की रेशियो आएगी, राइट? क्लियर है यहां तक? ऐसे करेंगे, पहले पैरेलल में लगाएंगे, फिर करंट की रेशियो निकालेंगे, फिर इसमें रो इंटू L1 बाय एरिया की जगह पाई R1 स्क्वायर करेंगे, ऐसी रो इंटू L2 पाई R2 स्क्वायर करेंगे, यहां से आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कितना का हो गया?
सेवेंथ का आंसर था ये मुझे पता नहीं, इसका आंसर सी लिखा हुआ है, मोर और लेस में आंसर है इसका। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बता देता हूँ करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक हीटर गिवन है जिसकी पावर 1000 वॉट और वी गिवन है, तो पी गिवन है और ये वी भी गिवन है, इसकी रेटिंग गिवन है। सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी सॉल्व करके, कितनी आ रही है 10 ओम आ रही है, 10 ओम आ रही है चेक करो। तो ये गिवन हो गया, ये 10 ओम का हीटर है। अब वो कह रहा है कि इसको इस सर्किट में लगा दिया और इसको पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टर आर के साथ, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो ताकि हीटर जब इसके साथ लगा रहे पावर क्या दे, 62.5 वॉट पावर दे, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर वन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये 10 ओम की रेजिस्टर है, इन दोनों की जगह जब मैं एक रेजिस्टर लगाऊंगा तो 10 × R / 10 + R, तो सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके ये सर्किट बन जाएगा 100 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक, ये वैल्यू आ गई राइट। नेक्स्ट है करंट की वैल्यू, इसमें क्या होगी, 100 / 10 + 10 R / 10 + R, ये लो करंट की वैल्यू आ गई। किसमें करंट आया, ये टोटल करंट आया, आए टोटल करंट, तो टोटल करंट आए आ गया। अब ये जो टोटल करंट आए है वो डिवाइड होगा किसमें, 10 × R में, वी की वैल्यू सेम है तो R = 10 में, रादर रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब एक काम करना, यहां से डिवाइड करके हीटर का करंट निकाल लेना IH, ठीक है ना। टोटल करंट आई ये रहा, इसको डिवाइड कर लेना रेशियो R = 10, तो रेशियो प्रोपोर्शन से इसका करंट आ जाएगा, आ गया करंट। अब वो कह रहा है कि ये हीटर है, इसकी पावर क्या है, 62.5। पावर क्या होता है, हीटर का करंट I² * हीटर की रेजिस्टेंस 10, तो यहां से हीटर का क्या आ गया, करंट। तो हीटर का करंट उठा के यहां पुट कर देना, यहां से निकालोगे दोनों तरफ से करंट निकालना, आर की वैल्यू आ जाएगी, IH की वैल्यू तो न्यूमेरिकली आ जाएगी आपके पास, और इधर से भी IH आ जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन से, दोनों को इक्वेट करना, लंबा क्वेश्चन आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट इसमें? इसका आंसर डी है, डी है राइट। 100 वॉट बल्ब वर्क्स ऑन 200 वोल्ट एंड 200 वॉट बल्ब, तो मतलब कि यहां से रेजिस्टेंस आएगी, यहां से रेजिस्टेंस आएगी। कह रहे क्या इसकी रेजिस्टेंस 4:1 है, आंसर नो है, आएगी नहीं, पहला ऑप्शन। फिर वो कह रहे मैक्सिमम करंट रेटिंग क्या है, देखो मैक्सिमम करंट रेटिंग क्या होती है, मैक्सिमम जो पावर है इसकी वो 100 वॉट है और वी कितना है इसमें 200 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डिवाइडेड बाय वी, तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी सेकंड केस में करंट की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट केस में आ गई, सेकंड केस में आ गई, तो आपके पास करंट की रेशियो आ जाएगी, ये आंसर आएगा 1:2। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एन आइडेंटिकल सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं और ये एन आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये लो पहला दूसरा तीसरा ऐसे, और इस शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखो बैटरी शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसकी क्या है, जीरो, शॉर्ट सर्किट हो गई, तो करंट क्या घूमेगा इसमें, टोटल ईएमएफ बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ई बाय आर, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सेल्स, तो इसलिए ग्राफ डी बनेगा स्टेट। ठीक है यहां तक? ओम लॉ, ये एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, नीट और मेन में बहुत बार आता है, ओम लॉ के लिए क्या सर्किट इसमें मार्क किया जाएगा। जब आप लैब में जाएंगे ओम लॉ करने, तो लैब में आपको ऐसे एप्रेटस दिया जाता है, एक बैटरी है, एम मीटर हमेशा बैटरी के बिल्कुल पड़ोस में होगा, क्यों, उसे टोटल करंट मेजर करना होता है, अगर वो कहीं अंदर लग गया तो करंट डिवाइड होके आएगा, तो इसलिए टोटल करंट के लिए एम मीटर जो है बैटरी के साथ होगा। नंबर वन, रियोस्टैट टोटल करंट को कंट्रोल करती है, तो ये भी बैटरी के साथ होता है रियोस्टैट, और वोल्ट मीटर इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में होता है ताकि आई और वी का ग्राफ प्लॉट कर सके। क्लियर है? तो जो कि मेल खाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बैटरी के पड़ोस में एमीटर, बैटरी के पड़ोस में रियोस्टैट, और वोल्ट मीटर, दोनों रेजिस्टेंसेस दो लगा दी जान के, एक की जगह दो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, वी इज इन पैरेलल, पैरेलल में आंसर सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर यह है, बी आंसर है।